हे गाइस बोर्ड भाई बोर्डी आज की टॉपिक रहने वाली है कौन सी बेहतरीन जॉब है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए और जो डिपेंडेंट पे यहाँ पे आते तो हैं उनके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया हमने लेकिन इसके अंदर थोड़ा डेप्थ पे बोलना चाह रहा हूँ मैं एकदम डीप में जाके कि बेहतरीन से बेहतरीन जॉब क्या है भाई अपडेट अभी फिलवत का अपडेट के हिसाब से तो थोड़े इन्फॉर्मेशन देना है आप लोगों को और फिलवत में बहुत बेहतरीन पार्क में आके हूँ भाई और यहाँ पर जो है सो ना जो व्यू है लेक का साइड में बहुत बेहतरीन है तो so, अभी हम लोग बात करने वाले हैं जॉब्स विद जॉब्स आर बेस्ट फॉर द स्टूडेंट एंड जो डिपेंडेंट स्टूडेंट का मसला क्या रहता है जो डिपेंडेंट मसला क्या रहता है वो दोनों पे बात करूंगा स्टूडेंट का डिफरेंट रहता है जो डिपेंडेंट जो पर्सन रहते हैं उनका डिफरेंट रहता है तो जो स्टूडेंट रहते हैं ना उनको सिर्फ यहाँ पे काम करने का है बीस घंटे हफ्ते में और जो डिपेंडेंट रहते हैं उन्होंने चालीस घंटे साठ घंटे भी काम कर सकते और भी बहुत ज़्यादा हंस देते आप अगर मैं बोला तो और भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे कुत्तों को घुमाने के लिए भी लेके आते हो उनको भी घंटे के साढ़े नौ पॉइंट मिलते हैं खाली कुत्ते को घुमाने के लिए उसके बाद सिक्योरिटी की जॉब है यहाँ पर सिक्योरिटी में आप लोगों को सिक्योरिटी का बैच बनाना रहता है वो बैच बन गया बोले तो आप लोगों को बस पे करना रहता है एकदम कम अमाउंट बैच की अमाउंट रहता है कुछ 500 600 500 सौ में पाँच में आपका बैच बन जाता है उसके बाद आप लोग सिक्योरिटी का सिक्योरिटी के जॉब सुकून से बैठ के कर सकते एक जगह भाई मस्त है वो भी सिक्योरिटी की पार्क छोटे और... बच्चों के वहाँ पे जो झूले हैं पार्क में बहुत सुकून रहता है यहाँ पे वहाँ पे बीच में लोग बैठे हुए भी है सुकून से मैं भी बैठ सकता था यहाँ पे लेकिन कोई भी नहीं है बोल के नहीं बैठा खैर अब हो गया हो गया खा भी लिए ज़बरदस्त नेक्स्ट टाइम आए तो लोग चला रहे हैं देखो जैसे बोर्ड चला रहे हैं अपन वो खरीद तो पानी, पानी में लेके चल जा सकते कहते मस्त तो बाकी की वीडियो भी घर पे आके बना रहा हूँ लेकिन वो फाइल्स मिसिंग है कहा चले गए कि मैं वो वीडियो बनाया था तो फिर से बना रहा हूँ तो भाई यहाँ पे जैसे कि अपने इंडिया में उबर जोमैटो जो बच्चे डिलीवरीज करते है ना बाइक्स पे वो यहाँ पे डिलीवर हो बोल के यहाँ पे भी रहता है उसमें अगर आप बारह घंटे काम करेंगे तो सौ से एक सौ सुकून से एक दिन में कमा ले सकते हैं आप लोग बारह घंटे के अंदर कमा ले सकते तो जो स्टूडेंट है ख्याल रखो बीस घंटे काम कर सकते हैं आप बीस घंटे के ऊपर नहीं कर सकते और जो डिपेंडेंट यहां पे आते हैं उन खुद का ऊबर का अकाउंट रहो वो बना सकते हैं डिलीवरी का रहो वो बना सकते हैं बना के खुद की आईडी पे यहाँ पे आप ऑर्डर्स यानी कि डिलीवरीज कर सकते हैं जिसमें आप लोग अच्छे खासे पैसे कमा ले सकते भाई और जो स्टूडेंट है उनकी आईडी नहीं बनेंगी इसमें क्योंकि भाई फिर से बोल देता हूं मैं आपको स्टूडेंट है आप बीस घंटे काम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं मैं सुना ऐसा ये भी चीज़ नहीं करना चाहिए कि दूसरों से रेंट पे लेते आई डी कहते भाई और वो आई डी उनको जो है सो बाइक की रही तो कुछ पचास सत्तर पौंड्स सिक्सटी पौंट्स में कुछ मिल जाती है उसके ऊपर किराए की आई डी लेके डिलीवरीज करते करते भाई देखो ये चीज़ लीगल नहीं है लेकिन सुना मैं यहाँ पे लोग करते बोल के तो भाई ऐसे काम मत करो हम लोग आते दूसरी जॉब पे जो बेटर रहेंगी जैसे कि बी में जैसा आप इंडिया में जॉब करते तो सुने होंगे ना तो जैसा इंडिया में डिलीवरी की जॉब में कितना कमाते हैं आप बीपीओ में कितना कमाते हैं आप लोगों को पता है बड़े के ही मिलती है आपको बीपीओ की कंपनी में जॉब करेंगे तो तो वैसे ही यहाँ पर भी रहता है भाई यहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनीज बहुत है आपको लंदन में तो आप लोग को बस जाना है जाके ट्राई करना है ये मत सोचो कि यहाँ पे आके रेस्टोरेंट में काम करेंगे डिलीवरी कर लेंगे कैब ड्राइवर में बन जाएंगे डिलीवरीज कर लेंगे ये मत सोचो कोशिश करो यहाँ पे आके कि बीपीओ में जॉब मिल जाना बोल के देखो भाई ये सोचते थोड़े लोग अरे नहीं मिलती भाई बहुत टफ रहता इंडिया से यहाँ पे आप ट्राई करके आए ना ट्राई करो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी ये मत सोचो कि नहीं मिलेंगी बोल के बिना ट्राई करे आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेंगे फिर ठीक है भाई वही ये एक अच्छी चीज है मल्टीनेशनल कंपनीज कंपनी बीपीओ बहुत है यहाँ पे ऑफिस में बहुत काम मिल जाएंगे आप लोगों को बस आप लोगों को एक काम करना है दिमाग लगाना है और आप लोगों को ट्राई करना है मैं एक ट्राई करने वाला हूँ इन अपकमिंग वीडियो में बोलूंगा मैं आप लोगों को कि बीपीओ इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं मल्टी नेशनल कंपनीज कहाँ है कौन से ऑफिस में आप जॉब कर सकते हैं एज ए फ्रेशर वो मैं अपकमिंग विडियोज में उसके बारे में भी डिटेल्स दे दूंगा और एक जो बेस्ट जॉब है वो है केयर होम में केयर होम में भाई देखो काम करने के लिए आप लोगों को आपके रिलीजन में परमिशन है नहीं है वो देखना है इस्लाम में तो परमिशन नहीं है केयर होम में काम करने की ठीक है बिकॉज आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग आ रहा होंगे स्टेटमेंट क्या है पढ़ लीजिए आप लोग सो अभी हम लोग बात

बेहिसाब लोग जो है तो फुल स्पॉन्सरशिप्स ले रहे तो वक्त ये चीज है आप लोगों को दिमाग में रखिए आप लोग एक चीज उसके बाद जो दूसरी चीज ये है कि आप लोग इसमें आप लोगों को कितना मिलते हैं पर आवर मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को जो है सो ना नाइन पॉइंट फिफ्टी वेजेस है वक्त लेकिन कुछ आप लोग कंपनीज में कुछ आप लोगों को अच्छे के होम में जो है सो ग्यारह पॉइंट से मिलती है सैलरी ठीक है और ट्रेनिंग के भी आप लोगों को जो है तो पैसे मिलते हैं वहां पे ट्रेनिंग देते हैं भाई पहले आप लोगों को जॉब शुरू करने से पहले ट्रेनिंग मिलती है उसके भी सॉरी उसके ही पैसे आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे केयर होम में लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स में काम करा था मैं जहां पे मैं कुछ जो है स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के पैसे नहीं दिए थे सिर्फ स्टार्टिंग में घसा दिए थे मेरे से ठीक है स्टार्टिंग में तो होता है भाई लेकिन अपने को बोलने वाले कोई नहीं थे लेकिन मैं बोल रहा हूं आप लोगों को आज जाएगी क्या क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को चीजें बस आप लाइन फॉलो करो बेहतर रहेंगे आप लोगों के यहाँ पे आप लोग आने के बाद वेयर हाउस में कमा सकते हैं भाई पैसे मैं ये पॉइंट बोलना भूल गया था वेयर हाउस में जो है सोना मैं जितना सुना वो बोल रहा हूँ वेयर हाउस में जॉब ईजी नहीं होता है और वेयर हाउसेज थोड़ा दूर दूर पे रहते भाई वहां पे आप लोग को मैं खुद एक दिन गया था करने भाई वेयर हाउस में स्कैन करने का था उसके बाद वहां पर वजन वजन बड़े बड़े वो रहे रहते वो उठाना था पैक करना था पार्सल्स अपने को समझने नहीं आया अपन छोड़ दिए लेकिन वहां पे आप लोगों को एज ए नाइट शिफ्ट काम कर रहे हैं तो आप लोगों को बारह पौंड मिलेंगे डे शिफ्ट काम कर रहे हैं तो आपको दस पौंड मिलेंगे तो ऐसा भी होता है भाई नहीं मिलने की सूरत में कहीं भी जॉब वहां पर कर सकते आप लेकिन जॉब फॉर शुरू कर देना या आते खींच काहेली नहीं करना जो जॉब मिल रही प्लीज वो जॉब आप लोग शुरू कर दो नहीं करेंगे ना बहुत प्रॉब्लम एक महीना देखे देखे खत्म हो जाता दूसरे महीने की रूम की पेमेंट करने का टाइम आ जाता फिर कैसा करेंगे तो जितता जितना जल्दी हो सकता आते कि जॉब शुरू कर दो कहीं भी ठीक है तो वही so, ये थी, video, अच्छी थी तो करी, करी, तो so, मिलते वीडियो आज